हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों गुवाहाटी का, असम का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत ही रोचक कहानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहास है इसका, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और बहुत ही कम लोग इस मंदिर के दर्शन भी किए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में और इस मंदिर के रहस्यमय इतिहास के बारे में बताऊँगा। तो आप वीडियो बनाना, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करना, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी सती अपने योग शक्ति से अपना देह त्याग दी तो भगवान शिव उनको लेकर घूमने लगे। उसके बाद भगवान विष्णु अपने चक्र से उनका देह काटते गए तो नीलांचल पहाड़ी में भगवती सती की योनि गर्भ गिर गई और उस योनि गर्भ में एक देवी का रूप धारण किया जिसे कामाख्या देवी कहा जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं आपके सामने कामाख्या देवी माता के बारे में बताने जा रहा हूँ और इनका बहुत ही अद्भुत इतिहास है और बहुत ही रहस्यमय इतिहास है। और आप जरूर देखिएगा वीडियो को, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि नीलांचल पर्वत पर माता की योनि गिरी थी जिसके कारण यहाँ कामाख्या देवी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। ऐसी मानता है कि माता की योनि नीचे गिरकर एक विग्रह में परिवर्तित हो गई, मतलब बदल गई, जो आज मंदिर में विराजमान है और जिससे आज ही माता की ये प्रतिमा राजस्वल होती है। आपको बता दूं कि मैं कामाख्या का मतलब होता है देवी दुर्गा इच्छाओं की दाता। दोस्तों यहाँ ऐसा भी है, यदि आपकी कोई भी मनोकामना है, इच्छा है, तो आप कामाख्या माता के दर्शन करने आते हैं तो आपकी हर इच्छा पूरी होती है और आप कामाख्या माता की श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, दिल से आते हैं, तो आपकी पूजा सफल जरूर होती है और आपकी यात्रा सफल जरूर होती है और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। और हाँ दोस्तों, यदि किसी की संतान होती है तो वह अपनी संतान को कामाख्या नाम देकर भी उसके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। कामाख्या का मतलब होता है मन की इच्छा, इसीलिए इस माता को इच्छा की शक्ति या इच्छा की माता, देवी माँ कहा जाता है। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पर कामाख्या में सती माता की महामुद्रा यानी योनि है और यहाँ पर सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत दूर दूर से साधु संत आते हैं, तांत्रिक आते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि तांत्रिक विद्या माँ की साधना के बाद ही आप प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि कामाख्या में कई ऐसे साधु हैं जिन्हें दसों महाविद्याएं प्राप्त हैं, जो कि बहुत ही ज्ञानी हैं और उन्हें मतलब हर विद्याओं का ज्ञान है, हर विद्याओं के बारे में पता है। और हाँ दोस्तों, 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या शक्तिपीठ बहुत ही प्रसिद्ध है और चमत्कारी है। कामाख्या देवी का मंदिर अगुरियों और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। असम की राजधानी दिसपुर में लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित यह शक्तिपीठ नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर दूर है। नीलांचल पर्वत दोस्तों यही कामाख्या, जो जिसको सती माता बोलते हैं, उनका अंग का एक हिस्सा यहाँ पर गिरा था जिसे योनि कहा जाता है। और इस मंदिर की सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। इस मंदिर में देवी दुर्गा या माँ अम्बे की कोई मूर्ति या चित्र आपको नहीं दिखाई देगा। ये बहुत ही अद्भुत बात है दोस्तों कि आप कहीं भी जाओगे, किसी मंदिर में जाओगे तो आपको वहाँ पर मंदिर में मूर्ति या चित्र जरूर दिखाई देगी, प्रतिमा जरूर दिखाई देगी माता की। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी प्रतिमा और चित्र नहीं है, जैसे कि मैं आपको कह ही रहा हूँ कि इस मंदिर में माता की एक अंग गिरा था जिसको योनि कहते हैं। हाँ दोस्तों, बल्कि मंदिर में एक कुंड बना है जो कि हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस कुंड से हमेशा ही जल निकलता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है, देवी की योनि की पूजा की जाती है और योनि भाग में यहाँ होने से माता यहाँ राजस्वल भी होती है, मंदिर में राजस्वला भी होती है। हाँ दोस्तों, मंदिर धर्म पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इस शक्तिपीठ का नाम कामाख्या इसलिए पड़ा क्योंकि इस जगह भगवान शिव का माँ सती के प्रति मोह भंग करने के लिए विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग किए थे।
तो इसलिए दोस्तों ये 51 शक्तिपीठों में से एक है ये मंदिर। जहाँ पर ये भाग गिरा वहाँ पर माता का शक्तिपीठ माना जाता है, यानी नीलांजन पर्वत के ऊपर गिरा था तो वहाँ पर इसका भाग गिरा था माता सती का, तो वहीं पर ही ये मंदिर वहाँ पर बन गया। इस जगह माता की योनि गिरी थी जो कि आज बहुत ही शक्तिशाली पीठ है। यहाँ वैसे तो साल भर ही भक्तों का तांता लगा रहता है, बहुत भीड़ होती है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन दुर्गा पूजा, पोहान बिया और दुर्गा देहुल, बसंती पूजा और मदा देहुल, अंबुवासी और मानसा पूजा, इस मंदिर का अलग ही महत्व है जिसके कारण इन दिनों लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ लगता है अंबुवाची मेला, जो बहुत ही प्रसिद्ध मेला है यहाँ का, कामाख्या देवी मंदिर का। हर साल यहाँ अंबुवाची मेला के दौरान पास में स्थित ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। तो दोस्तों ये भी एक रोचक कहानी है, रोचक बात है कि जब ये पूजा होती है तो वहाँ पर पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। फिर 3 दिन बाद दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ती है। तो दोस्तों ये भी एक रोचक बात है, ये भी एक रहस्यमय बात है कि 3 दिन तक मासिक धर्म होता है माता को, और यहाँ पर भक्त दर्शन करने नहीं जाते इस टाइम, और उसके बाद 3 दिन के बाद भक्त यहाँ पर दर्शन करने जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अजीबोगरीब प्रसाद भी दिया जाता है। दूसरे शक्तिपीठों की अपेक्षा कामाख्या देवी मंदिर प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि जब माँ को 3 दिन का रजस्वल होता है, यानी मासिक धर्म होता है, तो सफ़ेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खुले जाते हैं तब तो वस्त्र माता की रज से लाल रंग से भीगा होता है। इस कपड़े में अंबुवाची वस्त्र कहते हैं, इसी वस्त्र को अंबुवाची वस्त्र कहते हैं, और इसी के नाम से अंबुवाची का मेला किया जाता है। इसे ही भक्तों के प्रसाद के रूप में लिया जाता है, और भक्तों के प्रसाद के रूप में भी इसे दिया जाता है। और मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ कन्या पूजन व भंडारा कराया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पशुओं की बलि दी जाती है, लेकिन यहाँ मादा जानवरों की बलि नहीं दी जाती। ये भी बहुत बड़ी बात है, मादा जानवरों की बलि नहीं दी जाती। और काली और त्रिपुरा सुंदरी देवी के बाद कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी है, सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं तांत्रिक, जो कि महत्वपूर्ण होती है। और कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव के नववधु के रूप में की जाती है, भगवान शिव के नववधु के रूप में की जाती है। नववधु, इसको नई दुल्हन बोलते हैं, नई दुल्हन, तो उसके रूप में की जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकार करती है और सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। मंदिर परिसर में जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर आता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। इस मंदिर के साथ लगे एक मंदिर में आपको माँ की मूर्ति विराजित मिलेगी, जिसे कामा देवी कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने के लिए समर्थ होते हैं, हालांकि वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफ़ी सोच विचार करते हैं। हाँ दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको पहले कहा था कि तांत्रिक जो है, तो जब तक वो कामाख्या देवी माँ की आराधना नहीं करेंगे तब तक उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, तो इसलिए उनकी शक्ति बहुत होती है यहाँ तांत्रिकों की। कामाख्या के तांत्रिक साधु चमत्कार करने में सक्षम होते हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। कामाख्या मंदिर 3 हिस्सों में बना हुआ है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, इसमें हर व्यक्ति को नहीं जाने दिया जाता है। वहीं दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहां एक पत्थर से हर वक्त पानी निकलता रहता है। माना जाता है कि महीने के 3 दिन माता को राजस्वल होता है। इस 3 दिनों तक मंदिर के पट बंद रहते हैं, मतलब मंदिर के जो दरवाजे हैं बंद रहते हैं, और 3 दिन बाद दोबारा बड़े ही धूमधाम से मंदिर के पट खुले जाते हैं, मंदिर के दरवाजे खुले जाते हैं। इस जगह को तंत्र साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। यहाँ पर साधु अघोरियों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर अधिक मात्रा में काला जादू भी किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति काला जादू से ग्रसित है, यानी परेशान है, तो वह यहाँ आकर इस समस्या से निजात पा सकता है। तो ये थी दोस्तों कामाख्या देवी माता के इतिहास और उनकी रोचक कहानी, रहस्यमय इतिहास। यदि दोस्तों आपको ये इतिहास और कहानी आपको पसंद आएगी कामाख्या देवी माता की, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे जो भी न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना। जय देवभूमि,
जय उत्तराखंड, जय कामाख्या देवी माँ।